फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा जय हिंद। ये वीडियो मैंने उन लोगों के लिए बनाया है जो सीजीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। आई होप सीजीपीएससी प्री आप लोगों का बहुत अच्छा गया होगा। जिसका अच्छा नहीं गया होगा वो लोग निराश ना हो। अगर आप लोग सीजीपीएससी के थ्रू सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आगे आपको मीन्स देना ही पड़ेगा, इसलिए अभी आप मीन्स का ही तैयारी करें। फिर जब प्री का नोटिफिकेशन फिर से आ जाए तो भले ही प्री के लिए आप फिर पढ़ना लग जाए, क्योंकि मीन्स और प्री के सिलेबस में काफ़ी हद तक सिमिलैरिटी रहती है। और जो लोग सीजीपीएससी मीन्स की तैयारी कर रहे हैं, मुझे उम्मीद है आप लोगों की तैयारी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। और टेंशन कम रखिएगा, एकदम कॉन्फिडेंट होकर तैयारी करिएगा। तो मैं अपने हिसाब से कुछ आप लोगों को गाइडलाइंस देना चाहती हूँ रिगार्डिंग सीजीपीएससी मीन्स के लिए। तो सीजीपीएससी मीन्स में ध्यान रखने वाली कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसको मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। सबसे पहला है सिलेबस। हम लोग क्या करते हैं, जो सीजीपीएससी की वेबसाइट में से हम लोग को सिलेबस जो मिला रहता है उसी को हम लोग डाउनलोड करके रखे रहते हैं, और वही एकदम छोटे छोटे राइटिंग्स में लिखा रहता है उसी को देखते हैं। लेकिन अगर मैं ये चाहूँगी कि आप लोग उसका अलग से हर टॉपिक को लिख लें या फिर प्रिंट आउट करा के सब्जेक्ट वाइज अलग अलग पेजेस में आप लोग उसका सिलेबस को रखें और बार बार उस सिलेबस को पढ़ें। इससे क्या होगा, आपके दिमाग में सारे टॉपिक्स बहुत ज़्यादा दिमाग में जाएंगे, और कौन सा टॉपिक आपको कवर करना है, कौन सा कंप्लीट हो चुका है, कौन सा आपको कम इम्पोर्टेंट लगता है, वो सब आपको क्लैरिटी रहेगी। दूसरी बात, टाइम टेबल। मैं अपने हर वीडियो में सजेस्ट करती हूँ कि हमें टाइम टेबल बना के ही पढ़ना चाहिए, क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा रहता है और हमारे पास टाइम कम रहता है। तो अगर टाइम टेबल बनाए रहेंगे तो आपको पता रहेगा कि आपके कितने टॉपिक्स कितने दिन में कंप्लीट हो सकते हैं। कई लोगों को डाउट रहता है कि वो दिन में कितने घंटे पढ़ें, 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे। पर मेरा ये कहना है कि आप लोग अपना खाने पीने का सोने का टाइम प्रॉपर निकालिए और उसके बाद पढ़ने के लिए टाइम सेट कीजिए। और अगर आप 2 घंटे पढ़ रहे हैं और उसमें आपको एक ही टॉपिक समझ में आ रहा है और आप 15 मिनट में एक टॉपिक कंप्लीट कर दे रहे हैं, तो उनमें डिफरेंस होता है। तो आप स्मार्ट स्टडी कीजिए, पढ़ाई का टाइमिंग को कम करके बहुत क्वालिटी को बढ़ाइए। और उसके बाद है शॉर्ट नोट्स। टाइम टेबल आपका तभी सेट अच्छे से हो पाएगा जब आप शॉर्ट नोट्स बनाएंगे। हम क्या करते हैं, जैसा बुक में दिया है बहुत सारा उसी उसी टॉपिक को लिख देते हैं। इससे हमें एग्जाम के एक दिन पहले रिवीजन करने में डिफिकल्टीज होती है, हम सारी चीज़ें पढ़ नहीं पाते हैं, और अगले दिन एग्जाम हॉल तक जाने से पहले दिमाग में ये रहता है कि मैंने इस वाले टॉपिक को तो पढ़ा ही नहीं है। तो अगर आप शॉर्ट नोट्स बना के रखे रहेंगे तो आपके एग्जाम के टाइम में जब एक दिन में 2 पेपर होता है उस पूरे सारे सिलेबस को आराम से कवर कर पाएंगे। फिर है स्टडी मटेरियल्स। मैक्सिमम लोगों को डाउट रहता है कि कहाँ से पढ़े कहाँ से नहीं, और इसी चक्कर में वो एक ही सब्जेक्ट के 4-5 बुक्स उठा लेते हैं। पर मैं ये कहना चाहूँगी कि आप लोग एक दो ही बुक्स रखें अगर किसी सब्जेक्ट को लेना है तो, खासकर लैंग्वेज के लिए तो एक ही बुक रखें। इससे क्या होगा, आपके मटेरियल्स कम होंगे और जितने होंगे उसको आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे। अगर आपको किसी सब्जेक्ट के किसी टॉपिक में डाउट है कि इसमें ये सब्जेक्ट टॉपिक अच्छा नहीं दिया है, दूसरे बुक में अच्छा दिया है, तो उस टॉपिक के दूसरे बुक्स को प्रेफर कर सकते हैं। पर एक साथ पैरेलली आप ज़्यादा बुक्स को लेके नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि मेंस अगर आपको एक ही बार में निकालना है तो आपको टाइम का भी शॉर्टेज करना पड़ेगा। और मैंने टुटेजा में कोचिंग किया था इसलिए मैंने मैक्सिमम बुक्स टुटेजा से रिफ़र किए हुए थे। हिंदी और इंग्लिश के लिए मैंने 10th का ग्रामर देख लिया था, और भी ऐसे बहुत सारे ग्रामर के बुक्स आते हैं, उसमें आपको बेसिक चीज़ें मिल जाएंगी। और जैसे कि मैथ्स और साइंस का बुक सब्जेक्ट है तो उसके लिए मैंने 10th का बुक प्रिफर किया था, और मैथ्स मेरा बहुत अच्छे से गया था। और क्योंकि मैक्सिमम चीज़ें आपके 10th के सिलेबस में कंप्लीट हो ही जाती हैं। अगर आप 10th का बुक उठाते हैं तो एग्जाम्पल सारे बनाइए, साथ में जब आप उसमें हर प्रश्नावली में 15 क्वेश्चन तो पूरे के 15 क्वेश्चन बनाइए ही बनाइए। क्योंकि कई बार हम क्या करते हैं कि सिमिलर देखने वाले क्वेश्चन को स्किप कर जाते हैं, पर वही सिमिलर देखने वाले क्वेश्चन कई बार हमसे नहीं बनते हैं। पर अगर आप सारे क्वेश्चन बना रहेंगे तो आपसे सारे क्वेश्चन एग्जाम में भी बनेंगे। साइंस के बुक के लिए मैं बोलूँगी कि जब बायो वाले पोर्शन को आप पढ़ें या केमिस्ट्री वाले पोर्शन को, तो जो डायग्राम्स आते हैं खासकर बायो के डायग्राम्स को आप जरूर बना के तैयारी करें, क्योंकि जो भी डायग्राम रहता है उसमें नामांकन वाली चीज़ें हमें देख के तो समझ में आ जाती है कि हाँ ये
ये पोर्शन है इसका ये नाम होगा करके, पर जब बिना देखे बनाया तो एग्जाम में बनाने बैठेंगे तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें याद नहीं होती हैं, तो आप सबको बना के प्रैक्टिस करें। अगला है क्वेश्चन पेपर, कम से कम 3 साल के पुराने क्वेश्चन पेपर जरूर रेफर करें, इससे आपको एक थोड़ा आइडिया होगा कि कैसे क्वेश्चन उठ रहे हैं, किस टाइप के क्वेश्चन की रिपीटेशन हो रहे हैं और किस टाइप के नए क्वेश्चन हर साल आ रहे हैं, तो आपको समझ में आएगा कि कैसे इस साल आ सकता है क्वेश्चन पेपर। बट कई बार ऐसा होता है कि हमें नए क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, लेकिन पुराने क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो आपको थोड़ा सा समझ में तो आ ही जाएगा। फिर है राइटिंग प्रैक्टिस, मेंस के लिए टाइम कम है बोल के लोग राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करते हैं, बट चूँकि मेंस का जो पेपर है वो हमें रिटर्न में ही देना है तो राइटिंग प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आप सारे क्वेश्चन के राइटिंग प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे तो 2 नंबर के राइटिंग प्रैक्टिस जरूर कीजिए। इससे क्या होता है, 2 नंबर का जब आप क्वेश्चन लिखेंगे तो आपको समझ जाएगा कि उसमें उस टॉपिक का क्या क्या चीज़ हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं, और जब आप कोई भी पेपर देंगे तो देखिएगा उसमें कई सब्जेक्ट होते हैं और सारे सब्जेक्ट की स्टार्टिंग 2 नंबर वाले क्वेश्चन से होती है। अगर आपका 2 नंबर वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा बना है, मतलब आपका आगे का क्वेश्चन भी अच्छे से बन सकता है और इससे हमें भी कॉन्फिडेंस आता है और साथ जो चेकर रहता है उस पर भी इफेक्ट पड़ता है कि अगर इसने 2 नंबर वाले क्वेश्चन अच्छे बनाए हैं तो जाहिर सी बात है उसने आगे क्वेश्चन भी अच्छे बनाए होंगे। तो 2 नंबर के क्वेश्चन के लिए जरूर प्रैक्टिस करें। फिर सेल्फ एनालिसिस, अपने पढ़ाई को आपसे बेहतर और कोई नहीं समझ सकता। आप किसी को जाके बोलेंगे कि मैंने ऐसा पढ़ा है, मैंने ऐसे आंसर लिखे हैं, तो वो अपने हिसाब से चेक करेगा, लेकिन अगर आप उसी आंसर को 2 बार और देखेंगे तो आपको खुद समझ में आएगा कि आपने कहाँ पे कमी रखी है और कहाँ पे थोड़ा आपको एक्स्ट्रा वर्क करना है। तो स्मार्ट स्टडी कीजिए, अच्छे से तैयारी कीजिए। मैंने एग्ज़ाम से पहले कुछ टेस्ट पेपर दिए हुए थे और साथ ही मैंने जो एग्ज़ाम दिया था CGPSC मेंस का, उसके मैंने आंसर सीट भी RTI के थ्रू निकाले थे, तो मैं वो चीज़ें आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। सबसे पहले मैं आप टेस्ट पेपर शेयर करना चाहती हूँ। तो एक एक सब्जेक्ट के टेस्ट पेपर में मेरा ललिता मिहिर DSP के नाम से टेलीग्राम में चैनल बना हुआ है, आप वहाँ से सारे टेस्ट पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी और किसी को कोई डाउट हो तो आप लोग जरूर पूछ सकें। मैं ऐसे ही वीडियो सब्जेक्ट वाइज से बनाने जाने वाली हूँ, तो आगे के वीडियोज़ भी आप लोग देख सकते हैं। थैंक यू।